हाय एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इजी ऑर्गेनाइज़र, जो कि कुछ ही टाइम में प्रिपेयर हो जाएगा और ये बहुत ही यूज़फुल है। और इसे बनाने के लिए मैंने सभी वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास है कुछ पीडियाश्योर के बॉक्स। इनका लेड एयर टाइट नहीं होता है, इसमें हम कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। वन टाइम यूज़ के बाद ये बिल्कुल वेस्ट हो जाते हैं। तो आज हम इसी वेस्टेज का एक अच्छा यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इनके लिड्स को अलग कर देती हूँ। इनके लिड अलग करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, एक सिंपल नाइफ़ लेना है और नाइफ़ की हेल्प से आप इसके ब्राउन और वाइट पार्ट के सेंटर में नाइफ़ को इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हल्का सा नाइफ़ को हम टर्न करेंगे। तो जैसे इसको टर्न करेंगे हम, तो ये हमारा निकल जाएगा। ये बहुत इजी है। इसी तरह से मैं थर्ड कंटेनर का भी लेड अलग कर लूँगी। आप देखेंगे कि ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बना है। और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा ना तो मटेरियल लगा है, ना ही इसे बनाने में ज़्यादा मेहनत लगी है। इसके बाद हम इसके जो रैपर है इसको हटा लेंगे, इसको भी हम नाइफ़ की हेल्प से हटा लेंगे। वन बाय वन इन तीनों के जो रैपर है मैं हटा लूँगी और उसके बाद मुझे मिल जाएंगे बहुत ही साफ़ सुथरे और अच्छे से वाइट कलर के कंटेनर, जिससे कि हम एक बहुत यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो अब हमें करना है इसमें कुछ होल्स। हर एक कंटेनर में दो होल करने हैं। तो होल करने के लिए सबसे इजी जो तरीका है वो ये है कि एक प्लास लीजिए, एक नेल लीजिए, थोड़ा मोटा नेल हो, और कैंडल और मैच बॉक्स। इसे मैं जहाँ वीडियो शूट कर रही हूँ वहीं पर रख के इसको कैंडल को यूज़ कर रही हूँ। ना तो सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत है, ना ही गैस के पास खड़े होकर हमें ये करने की ज़रूरत है। वहीं पर आप एक ट्रे में कैंडल रखिए और कैंडल के साथ ही आप इसको इसमें होल कर सकते हैं। इस तरह से मैंने तीनों कंटेनर्स में दोनों साइड में एक एक होल कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट काम के लिए। इसके अलावा हमें चाहिए एक थ्रेड, थोड़ा मोटा थ्रेड है तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ कोई आप डोरी या जूट थ्रेड भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। तो इसको बनाने के लिए मैंने इस थ्रेड को यूज़ किया है और इसे थोड़ा सा मजबूत करने के लिए मैंने डबल कर लिया है इसे। अब सबसे पहले मैं सबसे नीचे वाले जो मुझे नीचे रखना है कंटेनर, उस पर इसके एक साइड से इसको अच्छे से बांध दूंगी। इस होल में डालकर इसको अच्छे से मैं बांध दूंगी।
तरह से मैंने तीनों कंटेनर्स को एक साइड से बांध लिया है। डिस्टेंस का आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपने जितने डिस्टेंस पर इनको बांधना है, जितने डिस्टेंस पर रखना है, जिस तरह का भी आपने सामान इसमें रखना है, उसके लिए कितना स्पेस चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बांध सकते हैं। तो अब मैं इनको पलट लेती हूँ, और पलटने के बाद दूसरे धागे से इनको दूसरी साइड से मैं बांध लूँगी। डिस्टेंस का ध्यान रखना है कि उधर की साइड से कितना डिस्टेंस है, उतना ही डिस्टेंस इधर रखेंगे, नहीं तो ये अप एंड डाउन हो जाएगा और ये देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा। कंटेनर्स को अटैच करने का काम कंप्लीट हो चुका है, और इसे हैंग करने के लिए मैंने लगाया है इसमें एक मेटल का बैंगल। और अब इसको और भी सुंदर बनाने के लिए हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो डेकोरेट करने के लिए मेरे पास हैं ये कुछ 3D स्टिकर्स यूनिकॉर्न वाले। तो आप देखेंगे कि इनको जब मैं इन पर पेस्ट करूँगी तो ये ऑर्गेनाइज़र और भी सुंदर दिखने लगेगा। तो स्टिकर लगाने का मेरा काम फिनिश हो चुका है। अब मैं आपको शो करती हूँ कि ये बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद इनका कैसा लुक आया है, ये कैसे दिखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि भाई ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ये बिल्कुल रेडीमेड जैसे दिखाई दे रहे हैं, और इन पर ये पिंक और वाइट का कॉम्बिनेशन बहुत ही निखर कर आया है। मैंने ये ऑर्गेनाइज़र किड्स बाथरूम के लिए बनाया है। आप इसे किड्स रूम के लिए या फिर ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़र भी
बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये आइडिया और मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट मुझे दें। थैंक यू, बाय बाय।